हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जरूर जाने। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे ट्रिक, और साथ ही साथ एक बोनस ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, वो सबसे मज़ेदार ट्रिक होगा। तो पांच ट्रिक वो ट्रिक बताऊंगा जो आपके फ़ोन में KAIS ऑपरेटिंग सिस्टम 2.5 आया है, उसके बाद आपके फ़ोन में पाँच नए नए फीचर ऐड हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं, लेकिन मैं टॉप फाइव जो सबसे अच्छे अच्छे फीचर है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो पांचों फीचर को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फीचर है दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले आप किसी वीडियो को फुल स्क्रीन में नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको इसमें फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे मैं वीडियो में जाता हूँ और कोई भी वीडियो को प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फुल स्क्रीन में करके। जैसे मैंने देख लीजिए ये वाला वीडियो प्ले कर दिया है, और फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन में फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, बहुत ही दमदार ट्रिक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप आज सीख जाएंगे। तो ये था दोस्तों पहला ट्रिक, जो कि 2.5 के AIS ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अपडेट हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे ट्रिक की। तो दूसरा ट्रिक ये है कि जैसे आपको कोई भी ऐप अनइंस्टॉल करने के लिए जियो स्टोर में जाना होता था, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करना है, जैसे देख लीजिए व्हाट्सअप है यहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ पे देख सकते हैं अनइंस्टॉल का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। ये बूट है, बूट को भी अगर यहाँ पे अनइंस्टॉल पे करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से अनइंस्टॉल हो गया। ये देख सकते हैं बूट का ऐप यहाँ से गैप हो गया, यानी अब आपको जियो स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप प्री इंस्टॉल यानी सिस्टम के ऐप को नहीं कर सकते, जो आपने इंस्टॉल किया है उसी को कर सकते हैं। तीसरा ट्रिक दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, ये है आपके ब्राउजर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाते थे और यहाँ पे टॉप साइड यहाँ पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे सिर्फ उसका नाम आता था, लेकिन अब उसका लोगो और बहुत ही डिज़ाइन में आ रहा है। और साथ ही साथ अब इसमें आप हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आपने क्या क्या सर्च किया। ये देख सकते हैं हिस्ट्री पे क्या क्या सर्च किया और क्या क्या नहीं किया, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। और इसे क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर और पे क्लिक करके क्लियर पे क्लिक कर दीजिए, आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। चौथा ट्रिक है दोस्तों, वो भी ब्राउजर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप जाएंगे ब्राउजर में और आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे गोड लिख दिया और उसके बाद सर्च कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे इमेज पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत से गॉड का पिक्चर आ जाएगा, यानी भगवान का। और किसी एक पे हम क्लिक करके उसे अगर डाउनलोड करना चाहें, यानी गूगल से कोई भी इमेज, तो उसका ऑप्शन भी आपको इसमें मिल गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, आप गूगल से कोई भी इमेज नहीं डाउनलोड कर पाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं इमेज को ओपन करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आइए और यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी इमेज को गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों पांचवें ट्रिक का, तो ये भी बहुत मज़ेदार है। इसके लिए हमको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना होगा, और उसके बाद पहले नंबर पे आपको मिलता है स्क्रीन लॉक। पहले आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अ पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं आप, और उसके बाद कोई भी आपके फ़ोन को नहीं खोल पाएगा बिना पासवर्ड के। तो ये फीचर भी बहुत ही अच्छा है, आप सबके लिए बहुत ही काम का है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छठे और लास्ट ट्रिक की, जो कि बहुत ही खास है। इसके लिए आपको वीडियो में जाना होगा, और वीडियो में जाने के बाद किसी भी एक वीडियो को आपको प्ले करना होगा और उसके बाद इस ट्रिक को अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस वीडियो को प्ले कर दिया और यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे रोटेट साइड में करता हूँ। पहले आपको वीडियो को बढ़ाने के लिए क्या करना होता था, ऊपर वाला क्लिक करना होता था, लेकिन अब आपको बढ़ाने के लिए मान लीजिए इस वीडियो में मुझे यहाँ पे पहुँचना है, यानी बढ़ाना है वीडियो को, और मुझे कहीं और से वीडियो स्टार्ट करना है तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है ऊपर वाले पे, अबे अपने यहाँ फॉरवर्ड होता जाएगा, यानी वीडियो अपने आप बढ़ता जाएगा। जहाँ पे आपको रोकना है वीडियो अपने आप फॉरवर्ड होगा। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो नीचे वाले बटन को आपको क्लिक करना होगा, तो उसके बाद वीडियो वहीं पर रुक जाएगा। ये देख सकते हैं यहीं पर रुक गया, अब वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर से आपको फॉरवर्ड करना है तो ऊपर वाले पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अपने आप फॉरवर्ड होगा, आप बिल्कुल अपने आप देख सकते हैं, और उसके बाद नीचे वाले क्लिक कर दीजिए, वहीं पे वीडियो रुक जाएगा। ये कुछ फीचर थे जो के AIS ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी अभी ऐड हुआ है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा।
इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।